सेकेंड पार्ट शूट जिसमें मैं थोड़ा सा पूरी का आटा गूंद रही हूँ और यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी है और आज मैंने इसमें केसर के धागे ना साथ में ही डाल दिए। इधर ये खीर पकती रहेगी। चावल डाल दिए हैं इसमें मैंने। ये कुछ काजू बादाम निकाल के रख लिए हैं, इनको काटना है मुझे और थोड़े से भोग के लिए अलग से लेने हैं। सामान लेके आई थी ना तब मैं इलायची पाउडर लेके आई थी, तो अभी क्योंकि कान्हा के लिए भोग लग रहा है तो अभी इसको खोलने वाली हूँ मैं। साथ में ये टमाटर मैंने एक टमाटर पीस लिया है क्योंकि मेरी तैयारी चल रही है आलू मटर की सब्जी बनाने की। तो यहाँ पर इलायची पाउडर को मैं खीर के अंदर डाल दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि जब प्रसाद बन जाएगा तो बाद में हम ये लोग खाएंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर इलायची वगैरह डाल दो तो पसंद नहीं आती है, तो थोड़ी सी वो डाल दी है। साथ में ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम कट कर लिए थे तो वो भी खीर में डाल दिए हैं। और मैं सही बताऊँ दोस्तों कि खीर और ये प्रसाद जो आज बन रहा था ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि होता ही है जब हम भगवान के लिए कोई भी भोग बनाते हैं एक तो वो शुद्ध होता है, उसमें हम प्याज लहसुन ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, एकदम सात्विक खाना बनता है घर के अंदर और उस खाने के साथ जो घर महक रहा होता है और साथ साथ में उस प्रसाद के अंदर पता ही नहीं कौन सा फ्लेवर आ जाता है जो नॉर्मली आप वो खाना बनाइए तब नहीं आएगा, पर जब प्रसाद के नाम का आप बनाइए तब ज़रूर आएगा। तो सब्जी भी बन गई है, खीर भी बन गई है, साथ में मन किया थोड़ा सा मैं हलवा भी बना दूं तो वो भी बन गया है और बस अब बारी आई है पूरी बनाने की। तो फटाफट से थोड़ी सी ही मुझे पूरियां बनानी है तो ये जल्दी से मैं जन्माष्टमी की थाली प्रिपेयर कर लेती हूं और आप वीडियो को पूरा देखिए। कहीं भी आपको मेरे वीडियो में अच्छा लगे कुछ भी तो आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों खाना तो सारा रेडी हो गया है तो अब मैं फटाफट से थाली प्रिपेयर कर लेती हूँ जो मुझे कान्हा को आज के दिन भोग देना है। जो मेरे से हो पाया जितना मैं एफर्ट्स कर पाई मैंने उस तरीके से तैयार किया है और जितना हो पाए उतना ही इंसान को कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरों को देखकर ही हम सब कुछ करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर पाते हैं जो नहीं कर पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को कॉपी करें।
कृष्ण 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 कृष्ण